कोरबा के साथ ही कटघोरा वनमंडल में भी हाथियों को उत्पात जारी है। बसान पंचायत में हाथियों द्वारा लगातार ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाकर खाद्य सामग्री चट कर दी जा रही है। बीती रात भी हाथियों के दल ने ऐसा ही कुछ किया, जिससे घबराए ग्रामीणों ने घर की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। पिछले दो दिनों में हाथियों ने दो ग्रामीणों के घर को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पूरे पंचायत में दहशत का माहौल निर्मित है। कोरबा वनमंडल अंतर्गत कुदमुरा रेंज के ग्राम कलमी टिकरा में रहने वाले दो युवक हाथी के हमले में घायल हो गए। खेत में लगी फसल को देखकर लौट रहे युवकों पर दंतैल हाथी ने हमला कर दिया। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे को सामान्य चोट लगी है। दोनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोरबा में कबाड़ चोरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एसपी के निर्देश पर अवैध कार्यों में लगे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में दर्री पुलिस ने करीब आधा दर्जन कबाड़ चोरों को गिरफ्तार किया, जो एनटीपीसी एडीएम बिल्डिंग के पीछे मौजूद मशीन से लोहे और तांबे के सामानों की चोरी कर रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1,00,000 रुपए का कबाड़ जब्त किया है। कोरबा में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रमेश पासवान की स्मृति में प्रेस क्लब द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तिलक भवन में आयोजित शिविर में प्रेस क्लब के अधिकांश सदस्यों ने जरूरतमंद लोगों को नया जीवन देने के लिए रक्तदान किया। कोरबा प्रेस क्लब द्वारा समय समय पर इसी तरह सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जाते रहे। रक्तदान को महादान कहा जाता है। इसी तारतम्य में पत्रकारों ने रक्तदान कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पहल से न सिर्फ कोरबा बल्कि बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग में भी ब्लड उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। बिलासपुर जिले के बेलगहना में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छोटे बच्चों की माताओं को अपने बच्चों को घर पर रहकर स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से महिला शिक्षिकाओं के नेतृत्व में अंगना में शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में जिला परियोजना अधिकारी द्वारा अंगना में शिक्षा के लिए विद्यालय में 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सीखने सिखाने के उद्देश्य से बनाए गए 9 काउंटर का अवलोकन कर उपस्थित माताओं को संबोधित किया गया। रतनपुर के रानी गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी टाटा मैजिक वाहन को एक ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के दौरान वाहन में सवार सभी 8 लोगों को चोट लगी है, जिन्हें उपचार के लिए रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को बिलासपुर सिंह रेफर किया गया है। घायल सभी लोग मां महामाया के दर्शन हेतु रतनपुर जा रहे थे। प्रदेश की जांजगीर पुलिस ने उस युवक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसने एक कुत्ते के साथ क्रूरता करते हुए बेरहमी से पिटाई की और उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही पशु प्रेमी हरकत में आए और एसपी से मामले की शिकायत की। जांजगीर, रायगढ़ और बिलासपुर के पशु प्रेमियों की शिकायत पर पुलिस ने ग्राम कन्हाईबंद में रहने वाले अजीत यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में वीडियो को वायरल किया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर खुल जाने से किडनी रोगियों की परेशानी दूर हो गई है। मरीजों को बार बार बिलासपुर या कोरबा जाने की झंझट से मुक्ति मिली है, साथ ही डायलिसिस में होने वाले महंगे खर्च से भी छुटकारा मिल गया है। डायलिसिस सेंटर में माह भर के अंदर 450 से अधिक डायलिसिस हो चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे जिले में धीरे धीरे सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के एरनपुर इलाके में सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट होने की घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक नागरिक की शहादत हो गई। नक्सलियों ने घात लगाकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की खबर मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। घंटे बाद पुलिस अधिकारियों ने जवानों के साथ यहां का मुआयना किया। कोरबा जिले में कई विभागों की व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। इसे ठीक करने के लिए न तो कोई काम हो रहा है, न ही इसकी मानसिकता बनाई जा रही है। खनिज विभाग का कामकाज भी कुछ इसी अंदाज में जारी है। सेमीपाली और सराई सिंगार खनिज बैरियर में अवैध वसूल धरल्ले से चल रहा है और इसी की आड़ में ओवरलोड वाहन यहां से पार हो रहे हैं। जांजगीर जिले में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। घटना में बुजुर्ग महिला व एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।